बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खड़िया से होंगे। आज मैं आपके साथ एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। आपको आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन शाशलिक और साथ फ्राइड राइस। तो चिकन शाशलिक बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उसके लिए हमें चिकन चाहिए। ये देखें, मैंने क्यूब्स में काटा हुआ है, इसको अभी हम मैरिनेट करते हैं। इस तरह क्यूब्स में छोटे छोटे आप काट लें, ठीक है। और सब्जियों में हमें चाहिए उसके लिए शिमला मिर्च है और प्याज है, और बाकी सारे जो हमारे मसाले हैं वो जाएंगे। जब मैं बनाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी साथ साथ। तो चिकन को हम मैरिनेट पहले कर लेते हैं। आप शाशलिक के अंदर इस तरह चिकन मैरिनेट करके फ्राई करके डालेंगे तो शाशलिक का टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का बनता है, वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बनता है। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे मैदा, बिल्कुल हाफ टी स्पून। उतना ही हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। साथ डालेंगे हल्की सी नमक, हल्का सा नमक डालेंगे, और साथ काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। साथ इसके अंदर हम थोड़ा सा अंडा डालेंगे और इसको मिक्स करके थोड़ा सा अंडा डाला है और थोड़ा सा इसके अंदर हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन मैंने फ्राई करके निकाल लिया। अब इसी के अंदर हम लहसुन है कटा हुआ बारीक बारीक, वो डालेंगे। इसको हम हल्का सा खुशबू आने तक, थोड़ा सा कलर आने तक इसको ऑयल में भूनेंगे। वैसे तो मैंने बहुत सी रेसिपीज देखी हैं जिसमें इस तरह लहसुन को भून के और वैसे डायरेक्ट जो कच्चा चिकन होता है उसको डाल देते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि फ्राई करके अगर आप इस तरह बनाएंगे शाशलिक तो उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। अब इसके अंदर हम अपनी वेजेस डाल देंगे। ये शिमला मिर्च है और साथ प्याज है जो मैंने इस तरह ये क्यूब्स में काटे हुए हैं, उनको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। इसके अंदर ये देखे मैंने चिकन फ्राई करके निकाला था, वो शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपने मसाले, नमक आप एहतियात से डालिएगा क्योंकि नमक पहले चिकन में भी डाला होगा है, सोया सॉस इसमें हम शामिल करेंगे उसमें भी नमक होगा, केचप शामिल करेंगे उसमें भी नमक होता है, तो एहतियात से बहुत डालिएगा। नमक काली मिर्च डाली है, कुटी हुई थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी मैं क्योंकि हम इसमें चिली सॉस भी इस्तेमाल करेंगे, गार्लिक और सिंपल केचप भी यूज़ करेंगे। ये इसके अंदर जाएंगे चिली सॉस, ये सोया सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून जा रहे हैं, और 1 टेबल स्पून सिरका ये हम शामिल करेंगे इसके अंदर, और साथ में इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी का, 1 चम्मच हम इसके अंदर चीनी का डालेंगे। इससे क्या होता है आपकी जो सॉस है ना वो बहुत ही शाइनी और मज़े की बनती है। ये सब काम आपने आंच जो हो तेज़ करनी है चूल्हे की तब करने हैं। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे टमाटो केचप, ये सिंपल केचप है तकरीबन 1/2 कप है, आपने जितनी इसकी सॉस बनानी है उसके हिसाब से आप डालें, और ये चिली गार्लिक है। इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। ये देखिए कितनी मज़े की लग रही है। अब यहाँ पे इस स्टेज पे अगर आपके पास चिकन स्टॉक पड़ा हो, चिकन की यखनी बड़ी हो तो वो आप डाल लें। मेरे पास वो नहीं था तो मैंने चिकन क्यूब्स लेके हाफ उसको कट करके तो ये पानी में शामिल करके ये डाल दिया है। साथ इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे चिकन पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि
चिकन पाउडर का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डालने से जो है ना वो अजीब सा आने लग जाता है। अब हमने अपनी सॉस को थिक करना है तो उसके लिए मैं कॉर्नफ्लोर डाल के पानी में मिक्स करके तो वो डालूंगी। अब चिकन पाउडर और वो हमने जो चिकन क्यूब डाला था वो हमारा तकरीबन पक चुका है, तो अभी हम इसके अंदर मैंने ये एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया और उसको पानी में मिक्स कर लिया है। तो आपने इसको एकदम से सारा नहीं शामिल करना, आहिस्ता आहिस्ता डालिएगा ताकि एकदम से जो है वो हमारी सॉस बहुत गाढ़ी ना हो जाए। बाकी का भी डाल दूंगी मैं और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए हमारा शाशलिक बिल्कुल रेडी हो गया है, तो अब हम इसको साइड पे करके तो इस अब राइस बना लेते हैं। इसके अंदर पहले मैं थोड़ा सा सब्ज़ प्याज है, सब्ज़ पार्ट उसका प्याज का वो काटा है तो वो डाल दूंगी और इसको हम कर देंगे साइड पे और अब हम अपने राइस बना लेते हैं। अब हम अपने राइस बना लेते हैं जिसके लिए मैंने एक अंडा लिया और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया। अंडे मैंने दो लिए थे, दोनों को मैंने एक ही बर्तन में डाल के फेंट लिया था, थोड़ा सा मैंने चिकन में डाल दिया और बाकी का जो है वो हम चावलों में डाल लेंगे। तो इस तरह के काम करके आप अपना भी टाइम जो है ना वो बचाया करें और बर्तन भी जो है वो कम खराब होते हैं। ये सादा अंडा है बिल्कुल, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा क्रम्बल कर लेंगे यूं करके। चावलों को मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया हुआ है, आप भी चावलों को बिल्कुल सादा नमक डाल के तो हल्का सा बॉईल कर लें। एक कली आपने छोड़नी है। अंडे को हम बाहर निकालेंगे, आप चाहें तो इसी के अंदर रहने भी दें लेकिन जरा बाहर निकालेंगे तो वो इसका कलर जो है ना वो चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा बिल्कुल। तो बाद में हम इसे चावलों में शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन, कुटा हुआ लहसुन है ये, इसको छोटे करेंगे हम। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपनी गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, मटर भी अब सीजन में है, आप चाहें तो डाल लें, मेरे पास नहीं थे तो मैंने ये तीनों चीज़ें ही डाल ली हैं। इनको अच्छा सा हम सोते करेंगे, ज़रा थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो सब्जियों का, तो देन हम इसके अंदर चावल डाल देंगे अपने जिनको मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है। बंद गोभी थोड़ी और डाल देंगे, सब्जियाँ थोड़ी कम लग रही हैं, ज़रा सब्जियाँ ज़्यादा हों चावलों में तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब हम इसके अंदर थोड़े स्पाइस डालेंगे, नमक है, काली मिर्च है, इसमें भी हमने सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह शामिल करना है तो उसके हिसाब से आप नमक हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि नमक हमने चावलों में बॉईल करते हुए भी डाला था। ये मैंने एक चुटकी बिल्कुल चिकन पाउडर डाला है क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो उस वो रेस्टोरेंट में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं चिकन पाउडर। अब हम इसके अंदर बॉयल चावल डाल देंगे, ये देखो चावलों को मैंने सब्जियों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया और अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा चिली सॉस डालेंगे और साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा सिरका वो डालेंगे सोया सॉस और अच्छे से हम इसको टॉस करेंगे। थोड़ा सा बस प्याज डालें, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है।
और साथ ही जो हमने अंडा फ्राई किया था वो डाल देंगे इसके अंदर। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और शाशलिक के साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बना के दीजिएगा। बच्चे ये राइस और शाशलिक बहुत शौक से खाते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।